नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। अर्घा खांचीक माला रानी में जीप दुर्घटना, चालक के मृत्यु। आय को जागृत पूर्णिमा, मिथिलांचल में नव विवाहित दुल्ही के घर से दुल्हाक घर में भार भेजवाक परंपरा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम में फिर विवाद, अपन पार्टी वैधानिक रहल कहत ऋषि कट्टेल नेतृत्वक नेकपा से निर्वाचन आयोग में निवेदन। हुनका कर व्यवस्था कर कपड़ा उद्योगी के मांग, मांग पूरा नहीं भेल पर कार्तिक 15 गते से देश भर के कपड़ा उद्योग बंद करवाक चेतावनी। भारतक विभिन्न स्थान में छापा, अवैध रूप में खाड़ी देश लॉ जेबाक तैयारी में रहल 37 नेपाली महिलाक उद्धार। आप समाचार विस्तार से। अर्घा खांचीक माला रानी गाँवपालिका वार्ड नंबर 5 बागी में जीप दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल। माला रानी गाँवपालिका वार्ड नंबर 5 बागी घाट में लू 1J3503 नंबरक जीप दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल। जीप चालक गुलमीक धरकोट गाँवपालिका 3 गलधा रहनिहार शेर बहादुर थापा के इलाजक लेल बुटवा लऽ जेबाक क्रम में मृत्यु भेल, प्रहरी जनौलक। आई कोजाग्रत पूर्णिमा, सम्पन्नताक देवी महालक्ष्मीक पूजा आराधना कऽ राति भरि जागरण बैसि कऽ मनेबाक परम्परा अछि। एहि दिन मिथिलाञ्चलमे पान मखान अनिवार्य रूपमे खेबाक सेहो परम्परा अछि। मिथिलामे नवविवाहित दुल्हीक घरसँ दुल्हाक घरमे भार पहुँचाओल जाइत अछि। एहि परम्परा अनुसार जानकी मन्दिरमे रतौलीसँ आयल भारके राम मन्दिर पहुँचाओल जाइत अछि। एक रिपोर्ट। कोजाग्रत पूर्णिमामे सम्पन्नताक देवी महालक्ष्मीक पूजा आराधना कऽ राति भरि जागरण बैसि कऽ मनेबाक परम्परा अछि। आसिन शुक्ल पूर्णिमाक दिन मनायल जायवला कोजाग्रत के मिथिला क्षेत्र में कोजागरा सेहो कहल जाइत अछि। मिथिला में नव विवाहित दुल्हीक घर से एहि दिन दुल्हा के घर में भार आनल जाइत अछि। यह परंपरा अनुसार जानकी मंदिर में सेहो भार आनल गेल अछि। देवी सीताक नैहर जनकपुरक जानकी मंदिर में रतौली सहितक स्थान से आयल भार राम मंदिर में पहुँचेबाक परम्परा अछि। ओहि क्रम में समधि मिलान सहितक कार्यक्रम सेहो होइत अछि। कोजाग्रत के अवसर में नव विवाहिता दुल्हीक घर से पान मखान काजू बतासा मिश्री लगातक परिकार स्वरूप दुल्हाक घरे में भेजल जाते हैं। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन भगवान राम सीता तो विवाह भेला के बाद एक हमरा अहाँ के रामायण कालीन में 99 रास भेल रहे भगवान के, जैसे रास मध्य के मिथिलांचल के प्रमुख रास जे से शरद पूर्णिमा के दिन ये कोजगरा दिन जे कोजगरा में जे पूर्णिमा के दिन रास भेल छे, उहे रास के महत्व से अभी हम सब प्रत्येक वर्ष इस सब दिन से परंपरा अनुसार मनबैत अबै छी। ई पर्व में जे छे खास कर के आई भगवान शीत में बाहर निकले छे और ओस में एकरा ओस पियल जाए छे, जकरा कहे छे ओस के आनंद, और पान मखान मिश्री आदि इत्यादि पकवान से भोग लगै छे। परंपरा अनुसार सीता जी के बेटी स्वरूप मान कर महोत्तरिक रतौली गाविस में विगत 117 वर्ष से स्वर्गीय महेंद्र ठाकुरक परिवार जानकी मंदिर के भार भेजत आयल इतिहास है। यह प्रचलन के ठाकुर परिवारक तेसर पुस्ताक पोता आ परपोता सब जीवंत रखत एहि वर्ष से हो जानकी मंदिर के भार अनलक अछि। एहि बेर 108 भार आनल गेल अछि। हमर रतौली घर भेल पहिल के हाल में अभी पिपरा नगर पालिका 6, लेकिन जम्मा ही चली छे हमर परबाबा महेंद्र प्रसाद ठाकुर से चलले अपने के, हम 5वां पुस्ता छी। जम्मा 117 वर्ष से ई भार हम सब ला रहल छी, जे अपना मिथिला में जे बेटी के नैहर कायम हमरा जे कैल गेल है रतौली, तो इस सेवा भक्ति में हम सब लटकल रहै छी। और इस सनातन धर्म के जे सनातना हम सब निरंतरता देली है, ते में हमरा सब के बहुत ही से फायदा है और धर्म के भी फायदा है, समाज के प्रति से जागरूकता हुआ के चाहिए। रतौली गामक तत्कालीन जमींदार ठाकुर पुत्र प्राप्तिक कामना केने पुत्र लाभ भेला बाद प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाक दिन जानकी मंदिर में दही चूड़ा पान मखान सहितक भार भेजत आयल। हमर बाबा के नाव रहन महेंद्र प्रसाद ठाकुर, वो उनका एक लड़का रह, वो लड़का टूट गए, तब वो जो है से जरा थी राम धनी शरण बाबा जुतमती किनारे, तो हुनका सत्संग भेल, तो हुनका सत्संग के बाद से वो लगल छिन हुनका जानकी मंदिर में झाड़ू बहारू कर, तो 2 महीना हमर बाबा झाड़ू बहारू कर,
तकर बाद रामधनी शरण बाबा कहलथिन जे तो महेंद्र प्रसाद विवाह कर, विवाह कर, तोरा तीन टा लड़का हो। हुनका कहब पर से बाबा हमर शादी दोसर के बंसौरी ओहिमे तीन टा लड़का ठीके भेल, हरिहर प्रसाद ठाकुर, रामदेव प्रसाद ठाकुर, ब्रह्मदेव प्रसाद ठाकुर, है ना। अच्छा आब तकर बाद की भेलै जे अहाँ के दाई हमर जब एलथिन तो पहले जाए आध मन चूड़ा आध मन दही बाबा के टाइम, आ जब दाई हमर एलथिन शादी भऽ कऽ तो दाई कलथिन ओहिमे कच्चा 10 मन चावल दालि तरकारी अचार कपड़ा बतासा मखान पान सब दाइए के काटि। मंदिर में आयल भारक बंदोबस्त रतौली गांव के ठाकुर परिवार सहित संपूर्ण ग्रामवासी करैत अछि। कोजागरत पूर्णिमा के राति राम आ सीता के प्रतिमा के जानकी मंदिर बाहर निकाल गीत संगीतक संगई पान मखान आ बतासा के वर्षा करबाक सेहो परंपरा अछि। आइ नया दुल्हा दुल्हन जे छथिन ना से आइ नया दुल्हा दुल्हन के सासुर से पान मखान सबके भार अबै छै। आइ के दिन में दुल्हा दुल्हन मिलकर चौपर खेलाइ छै और ये परंपरा जानकी मंदिर में बहुत दिन से चल रहा है। रतौली गाम से भार अबै छथिन और एहिठाम जे साँझ में भगवान के बाहर निकाल के ओहिठाम चुमाओल जाए छन। चुमाओन कला के बाद में गाना बजाना भेल, मौद मखान पान प्रसादी सब वितरण कयल जाए छै। आइ के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन छै। कोजगरा में दुल्ही के घर से आयल पान तथा मखान से दुल्हा के घर में चुमान कयल जाए छै। वही क्रम में गांव समाज में पान मखान बटबाक संगई दही आ चूड़ा के भोज करबाक परंपरा अछि। कोजागरत के पूर्णिमा के दिन मिथिलांचल में रात भर जागरण बैसबाक परंपरा सेहो अछि। कोजागरत के अर्थात जगेबाक सेहो रहल अछि। एहि रात धनक देवी लक्ष्मी पृथ्वी में घूम अयबाक विश्वास अछि। ओहि क्रम में लक्ष्मीक स्वागत के लेल द्वारि खुजल घर में हुनक वास हेबाक विश्वास रहल अछि। तहिना आसिन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि कार्तिक स्नान कऽ घर घर में विशेष रूप में कयल जाय वाला तुलसी पूजा सेहो एहि दिन से शुरू होइत अछि। कार्तिक स्नान करबाक लेल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि दू दल भेल मांस मसूरी चना भटमास आदि अन्न नहि खेबाक शास्त्रीय मान्यता अछि। तहिना पहाड़ी समुदाय में दसई के टीका लगेबाक अवधि एहि दिन से सम्पन्न होइत अछि। लक्ष्मी पूजाक 15 दिन आगा महालक्ष्मीक आराधना कयल गेला से यह पावन के विशेष महत्व अछि। एहि पूर्णिमा के कौमुदी सेहो कहल जाइत अछि। महालक्ष्मी संगे आइ हाथी में चढ़ल इंद्र के सेहो पूजा कयल जाइत अछि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। राजधानी काठमांडूक यथखा में गणेश भैरव आ पंचकुमारी के विशेष पूजा कयल गेल अछि। हरेक वर्ष जका अहु वर्ष कोजगरात पूर्णिमा के दिन यथखा में गणेश भैरव आ पंचकुमारी के सामूहिक विशेष पूजा कयल गेल अछि। बालक के गणेश आ भैरव तथा बालिका के कुमारी के रूप में पूजा कयल जाइत अछि। भक्तजन सब गणेश भैरव आ पंचकुमारी के रूप में श्रृंगार क के राखल गेल बाल बालिका के शगुन वस्त्र सौभाग्य तथा दक्षिणा द के पूजा कयलक अछि। गणेश भैरव आ पंचकुमारी के सामूहिक विशेष पूजा सन 1992 में पाटन से शुरू भेल जनविश्वास अछि। गणेश भैरव आ पंचकुमारी के सामूहिक विशेष पूजा कला पर वर्ष भर गणेश भैरव आ देवी के आशीर्वाद प्राप्त हेबाक विश्वास अछि। ललितपुरक अक्षेश्वर महाविहार में बुद्धक अस्तु धातु के प्रदर्शन कयल गेल अछि। सब साल आइ के दिन गौतम बुद्धक अस्तु धातु सर्वसाधारण के दर्शन के लेल राखल जाइत अछि। अक्षेश्वर महाविहार में राखल बुद्धक अस्तु धातु श्रीलंका सरकार सन 1996 में उपलब्ध करौने छल। बुद्धक मृत अस्थि से केश खून आ हड्डी के टुकड़ा निकालल गेल छल। एहि के विश्व भर रहल महत्वपूर्ण चैत्य आ विहार सब में राखल गेल अछि। अक्षेश्वर महाविहार में रहल अस्तु धातु बुद्धक खून से बनल कहल जाइत अछि। आइ के ई विशेष दिन में विहार चैत्य सब में धर्मदेशना पूजा करबाक स्तोत्र पाठ लगायत के धार्मिक गतिविधि सब कयल जाइत अछि। पार्टी के नामक विषय के लऽ कऽ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेर विवाद में पड़ल अछि। ऋषि कट्टेल नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अपन पार्टी संग नाम मिलल कहत निर्वाचन आयोग में आवेदन देला बाद एमाले आ माओवादी बीच एकता भऽ कऽ गठन भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम में विवाद शुरू भेल अछि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधान विपरीत दू पार्टी मिलकर अपन पार्टी के पहचान अंत करबाक उद्देश्य से ओहने नाम रखने कहत निर्वाचन आयोग में निवेदन दिला बाद पार्टी के नाम फिर विवाद में पड़ल। निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त लगात आयुक्त सभक उपस्थिति में आज दुनू पार्टी के प्रतिनिधि सहितक संवैधानिक तथा कानूनी इजलास राखल गेल छल। इजलास में दुनू अपन अपन दिश से दलील रखने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अपना से फरक दल भेल दावी केलक अछि। हाम्रो प्रश्न ब्राकेट भित्र नेकपा छ, उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छ कि तर जुरे भन्ने कुरा छ? जुरे होइन, जुरेकै छैन, कानुनले तोकेको अनुसार कुनै जुरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँको पनि ब्राकेट हाम्रो पनि ब्राकेट भएको भए जुत्थ्यो। अब उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छ, हाम्रो चाहिँ के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा छ, त्यसमा उहाँहरूले अलिक भ्रम भएको मात्रै हो। अब त्यो कुरो हामीले प्रश्न राखेका छौँ, जुरिया छैन। एम्हर ऋषि कट्टेल नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलीय परम्परा तथा संसदीय परम्परा विपरीत अपन सभक पहिचानके संकटमे राखिकऽ नामाकरण कयल गेल कोष्ठ भीतरके नेकपाक नाम संवैधानिक रूपमे त्रुटिपूर्ण रहल दावी कयल गेल अछि। निर्वाचन आयोग बाध्यतामे पढ़िकऽ समान नाममे फरक दल दर्ता केने कहैत नामक विषयमे सर्वोच्च अदालत धरि पहुँचबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा उहाँहरूले राखेर निर्वाचन आयोगले दर्ता स्वीकृति दिएको रहेछ। अब जुन कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान विपरीत छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै संक्षिप्त नाम चाहिँ के छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। उहाँहरूको जिकिर के रह्यो अहिले भने हाम्रो पार्टीको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने अब मेरो नाम कृष्ण हरि भयो भने मेरो नाम ब्राकेटमा पनि बाहिर पनि नेक कृष्णहरि ब्राकेटमा फरक देखाउन पनि कृष्णहरि राख्ने कुरा कति उपयुक्त हो, त्यो गलत हो। यसले चाहिँ नि गलत सन्देश जान्छ र संसदीय परम्परा दलीय परम्पराको पनि विपरीत हुन्छ र दलीय पहिचानलाई समेत यसले सङ्कटमा लाने हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो काम गर्नुहुन्न र दुई तिहाई बहुमत लिएर आएर जितेको भन्ने सरकारका मानिसहरूले यस्तो काम गर्नु यो चाहिँ नि संवैधानिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ, निर्वाचन कानुनको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ, व्यावहारिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ। यसले पहिचान आएन, जस्तो हाम्रो पहिचानलाई यसले खनित गर्यो तपाईँहरूको पहिचान पनि आएन, हाम्रो अरू धेरै कुरा केही पनि छैन, यति हो पहिचान तपाईँहरूको नै आएन, हाम्रो पहिचानलाई तपाईँहरूले मास्न खोज्नुभयो यो पाउनुहुन्न। अब यो निर्वाचन आयोगले यो कुरा फैसला गर्न सक्दैन भने हामी ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम मिल्ला बाद पहिने अन्डरलाइन राख्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्ला समय कोष्ठभित्र नेकपा राखिकऽ अलग दलक रूपमे निर्वाचन आयोगमे दल दर्ताके स्वीकृति लेने छल। आयोग सेहो अहिके फरक दल मानैत आयल अछि। आयोगक सहसचिव दीपक सुवेदी एकेटा नाममे भिन्न दर्ता होबय नहि सकबाक कानूनी प्रावधानमे आयोग सचेत रहल बतौलने अछि। ऋषिराम कट्टेलले चाहिँ यो हाम्रो पार्टीसँग नाम मिलेकोले र उस्तै नाम भएको अर्को पार्टी दर्ता गर्न कानुनी बाधा छ, यो पाइँदैन भनेर उहाँले भनेपछि त्यसैको सम्बन्धमा आज आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत सबै आयुक्तहरू बसेर एउटा इजलास कानुनी संवैधानिक इजलासको चाहिँ व्यवस्था भएको थियो र त्यसमा ऋषि कट्टेलको तर्फबाट उहाँ स्वयं र उहाँका वकिलहरू र विपक्षको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वकिलहरू र नेताहरू आएर आफ्नो बहस चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र अहिले त्यो यो नामको सन्दर्भमा भएको जुन उजुरी हो त्यसको सन्दर्भमा आयोगले संयुक्त इजलास बाद आयोग किछ समय उपलब्ध गराबैत दुनू दलके नाममे देखल गेल विवाद आपसमे परामर्श कऽ कऽ निष्कर्षमे पहुँचाबऽ कहने अछि। दुनू दल निष्कर्षमे नहि पहुँचला पर आयोग अपन निर्णय सुनेबाक सहसचिव सुवेदी बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस विजयादशमी दीपावली नेपाल सम्बत छठि सहितक चायपान कार्यक्रम कार्तिक 16 गते शुक्र दिन करबाक निर्णय कयलक अछि। कार्तिक 7 गते कोजागृत पूर्णिमाक दिन केन्द्र आ सभ जिल्लामे आयोजना करबाक कहल गेल। शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम कार्तिक 16 गते शुक्र दिन करबाक कहैत मिति परिवर्तन केने पार्टीक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलसँ जारी कयल गेल विज्ञप्तिमे लिखल अछि। कांग्रेसक नेता पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूर्व मंत्री एवं भारतक लेल नेपालक पूर्व राजदूत चक्रप्रसाद बास्तोलाके बीतल आसिन 27 गते निधन भेलाक कारण कार्यक्रम घुसकाओल गेल छल। अपन समाचारमे एखन व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद नेपाल प्रहरीक 17 डीआईजी के सरुआ तथा पदस्थापन कयल गेल।
हुनका करक व्यवस्था कर कपड़ा उद्योगी के मांग मांग पूरा नहीं भेला पर कार्तिक 15 गते से देशभर के कपड़ा उद्योग बंद करवाक चेतावनी। आ भारतक विभिन्न स्थान में छापा अवैध रूप में खाड़ी देश लऽ जेबाक तैयारी में रहल 37 नेपाली महिलाक उद्धार। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। जनकपुर जयनगर रेलक निर्माण सम्पन्न भेला संगहि स्थानीय बाजार सस्ता हेबाक विश्वास लेल गेल अछि। नेपालक जनकपुर से भारतक जयनगर धरि चलयवला नया रेलवे शुरू भेला बाद माल सामान ढुआनीक लागत घटि कऽ बाजार सस्ता हेबाक विश्वास अछि। भारत सरकारक अनुदान सहयोग में नेपालक 5 नाका सब में रेलवे के अंतरदेशीय लाइन निर्माण भ रहल अछि। पहिल चरण में जोगबनी विराटनगर आ जनकपुर बर्दिवासक निर्माण काज भ रहल अछि। भारत सरकारक 500 करोड़ से बेसी अनुदान के सहयोग में जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलवे ट्रैक निर्माणक काज भ रहल अछि। दिसंबर धरि में निर्माण सम्पन्न होबय लागल ई आयोजना में नेपाली निर्माण कंपनी सब सेहो काज कर रहल अछि। रेलवे विभागक प्रवक्ता अमन चित्रकार जनकपुर जयनगर रेल निर्माण भ संचालन भेला बाद नेपालक महगी नियंत्रण संगहि निर्माण प्रवधि हासिल हेबाक बतौलनि अछि। संगहि एहिसँ नेपाली यातायात तथा परिवहन पद परिवर्तन अनबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयल गेल अछि। हाम्रो फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले ठुलो योगदान पुर्याउने छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ भनौँ न यहाँको इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्टको लागि त अब भनौँ न रेल सेवा भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो मास ट्रान्जिटको साधन हो, त्यसले चाहिँ नि क्यारी गर्ने जुन फ्रेट भोल्युम भनौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले ट्रकले क्यारी गर्ने भनौँ न 100 ट्रकको सामान चाहिँ एउटा रेलवेले एउटा ट्रेनले क्यारी गरेर ल्याइदिन्छ र कस्ट वाइज पनि क्वाइट इफेक्टिभ। अब इन जेनरल भनौँ हिरिस्टिकमा भन्दाखेरि हाम्रो थम रुल भन्ने हुन्छ जुन यो त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रोड ट्रान्सपोर्टको चाहिँ नि 1/6 सस्तो पर्न आउँछ। रोड ट्रान्सपोर्ट 6 रुपियाँ पर्ने रहेछ भने यता चाहिँ नि भनौँ रेल ट्रान्सपोर्टभन्दा रोड ट्रान्सपोर्ट चाहिँ 1/6 महँगो भनिन्छ कि त्यहाँ 6 रुपियाँ छ भने यहाँ 1 रुपियाँ पर्न आउँछ भन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरू पनि इन्डुस भएको छ, कतिपय कन्ट्र्याक्ट चाहिँ प्याकेजहरू नेपाली कन्ट्र्याक्टरले पनि भएको छ। त्यसमा भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चै भने रेलको अब विस्तारको क्रममा भर्खर सुरुवात भएको छ। भारत सरकारक मुख्य निर्माणकर्ता एरिकोन कम्पनीसँगै काज गरल रमन कन्स्ट्रक्सन अगिला दिनमै रेलवे सम्बन्धी निर्माणक लेल अपना सब तयार रहल बतौलक अछि। जयनगर बर्दिवास खण्डक ट्रैक निर्माण काज नेपाली कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सन भारतीय कम्पनी इरिकोनसँग मिलकऽ कऽ रहल अछि। नेपाली निर्माण कम्पनीसँग एहिसँ पहिले रेलवे ट्रैक निर्माणमे अनुभव नहि छल। एहि सँगै नेपाली निर्माण कम्पनी सेहो रेलवे सम्बन्धी निर्माण कर सक्षम भेल। रमन कन्स्ट्रक्सनक निर्देशक रमन महतो बतौलनि। र त्यो सँगसँगै पनि अब जस्तै हामीलाई यो पनि थाहा थिएन कि सुरुमा काम गर्दा त्यो स्पेसल ब्यालास्ट मेटेरियल त्यो जुन गिटी हाम्रो त के सोचाइ हुन्थ्यो भने कुनै पनि फुटालेको ढुङ्गा राखे हुन्छ भन्ने एउटा नर्मली देख्दा त त्यही फुटेको ढुङ्गा नै देखिन्छ। तर यसको एउटा स्ट्रेन्थ क्वालिटी सेप मेजर यसको क्राइटेरिया भनेको सेप हो होइन। अब यो हामीले सोर्सिङ गर्दा गर्दा इन्डियाको झारखण्ड भन्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ र काम गर्ने क्रममा हामीले टेक्नोलोजीको हिसाबले धेरै कुराहरू सिक्यौँ होइन। अब नेपालमा हामीले रेलवेमा भनौँ न के अरे नेपालको पहिलो र लार्जेस्ट कन्ट्र्याक्टर भनौँ न रमन कन्स्ट्रक्सन अब नेपालको लार्जेस्ट र रेलवे सेगमेन्टमा अगाडि छौँ हामी अहिले 1 पोजिसनमा छौँ। र अब यो टेक्निकल स्किल र यो केपेबिलिटीले अब हाम्रो नेपालको जति पनि यो इस्ट वेस्ट रेलवेको प्रोजेक्टको प्लानिङ छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ मेजर भूमिका रहनेछ। रेलवे सञ्चालनको लागि 3 हल्ट आ 5 स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पहुँचल अछि। स्टेसन भवन आवास निर्माण सेहो अन्तिम अवस्थामा अछि। यात्रुवाहक रेल चलाबय जयनगर बर्दिवास 69 किलोमिटर ब्रॉडगेज सञ्चालनके लेल काज होइत काल जयनगर जनकपुर रेल लिगके बीतल आसिन 24 गते मालवाहक रेल चलाकऽ परीक्षण कयल गेल छल। रमन कन्स्ट्रक्सन भारतक झारखण्डसँ रेलवे लिगमे प्रयोग होवला गिट्टी ब्लास्ट बोक्ने 53 डिब्बा रेलक माध्यमसँ अन्य अछि। नेपाल प्रहरीक 17 प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG सरुवा तथा पदस्थापन कयल गेल अछि। गृह मन्त्रालयसँ 6 सरुवा तथा 11 पदस्थापन कयल गेल अछि। DIG मनोज न्यौपानेके प्रहरी प्रधान कार्यालयके प्रहरी निरीक्षणालय, शेरबहादुर बस्नेतके महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय गौचर, दिनेश आमत्यके महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नारायण सिंह खड्काक प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध, कमल बहादुर GT के प्रधान कार्यालय विशेष ब्यूरो,
आ पीताम्बर अधिकारी के प्रदेश पांच प्रहरी कार्यालय में सरुआ भेल अछि। तहिना डीआईजी में बढ़ुआ भेल शैलेश थापा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी के प्रमुख भेल अछि। विनोद शर्मा घिमिरे के प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय में विकास श्रेष्ठक साइबर ब्यूरो ठाकुर प्रसाद गेवाली के अख्तियार पूर्णचंद्र जोशी के राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रैफिक निर्देशनालय तारणी प्रसाद लमसाल के सुरक्षा सेवा निर्देशनालय हरिबहादुर पालक प्रदेश दू प्रहरी कार्यालय नीरबहादुर शाही के अपराध अनुसंधान विभाग ब्यूरो प्रद्युम्न कार्की के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हरिभक्त जापति के महिला तथा बाल बालिका सेवा निर्देशनालय आ सूर्य प्रसाद उपाध्याय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पदस्थापन भेल अछि। प्रदेश दू के प्रहरी प्रमुख दिनेश आमत्य काचन में नवनिर्मित प्रहरी भवन के उद्घाटन कयलनि अछि। बोधिर बरसाइन नगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित काचन में नगर पालिका के सहयोग में 35 लाखक लगानी में 4 कोठा भेल नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कयल गेल अछि। ओहि अवसर में प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेश आमत्य जनता मैत्री सेवा देव नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहल बतबैत नागरिक आ प्रहरी बीचक संबंध के और सुमधुर बनाओल जेबा में जोर देलनि। ओहि अवसर में पूर्व मंत्री तथा राजपा नेपालक वरिष्ठ उपाध्यक्ष मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव जनता के अनुभूति कराबय वाला निकाय प्रहरी रहला से जनता के सहज सेवा देल जेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल जनताक सहभागिता बिना प्रहरीक सेवा असंभव रहला से जनता संग प्रहरी कन्हा में कन्हा मिलाक अपराध के निरुत्साहित कयल जेबाक बतौलनि अछि। बेवारिस मालजालक विषय में विवाद भेला बाद उदयपुर में एक वृद्धा के मानव मलमूत्र पियाओल गेल घटना सार्वजनिक भेल अछि। उदयपुरक उदयपुर गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 मवासी के 75 वर्षक वृद्धा के मलमूत्र पियाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर जनौलक अछि। असगरे गुजारा करैत आयल वृद्धा के पड़ोसी परिवार मिलकर मलमूत्र पियौने निवेदन जिला प्रहरी कार्यालय आयल प्रहरी निरीक्षक ललन कुर्मी बतौलनि। मंगल के राति वृद्धाक पड़ोसी बक्ते राय ओकर श्रीमती गर्भी राय आ देव बहादुर राय मारपीट कऽ पैखाना कराब कहिक पैखाना केने बेहोरा निवेदन आयल प्रहरी निरीक्षक कुर्मी जान कुमार जानकारी देलनि। मारि सँ वृद्धाक दायाँ आँखि में गंभीर चोट लागल अछि। आरोपी के पकड़ प्रहरी परिचालन के ने जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। पड़ोसी दिन प्रतिदिन अपन बारी में मालजाल छोड़ने आ लगाओल गेल बाली नाश केला बाद हैरान भ क उपराग केला बाद उल्टे मलमूत्र पियौने वृद्धाक आरोप अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद पहुनका करक व्यवस्था कर कपड़ा उद्योगी के मांग मांग पूरा नहीं भेला पर कार्तिक 15 घंटे से देश भर के कपड़ा उद्योग बंद करवाक चेतावनी। भारतक विभिन्न स्थान में छापा अवैध रूप में खाड़ी देश लौ जेबाक तैयारी में रहल 37 नेपाली महिला उद्धार। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग सब। नेपाल कपड़ा उद्योग संघ सरकार कपड़ा उद्योगी के मांग पूरा नहीं केला पर अगला कार्तिक 15 गते से देश भर के कपड़ा उद्योग बंद करबाक चेतावनी देलक अछि। मूल्य अभिवृद्धि करक संबंध में पहुनका व्यवस्था कायम कयल जेबाक मांग करैत आयल संघ एहि विषय में सरकार निर्णय करब विलम्ब केने कहैत उद्योग बंद करबाक चेतावनी देलक अछि। विदेशी कपड़ा संघ प्रतिस्पर्धा करय लेल सरकार नेपाली कपड़ा उद्योग के मूल्य अभिवृद्धि करक छूट दैत आयल छल। कपड़ा उद्योगी सब कर छूटक व्यवस्था नहि रखला पर विदेशी कपड़ा संघ प्रतिस्पर्धा कर नहि सकबाक आ उद्योग व्यवसाय धराप में पड़े तऽ उद्योग संचालन कर सकबाक अवस्था में नहि रहल बतौलक अछि। कपड़ा नेपाल भित्रिन्छ त्यो कपड़ा संघ प्रतिस्पर्धी हुनको मध्य 30-40% व्यापार भनेको माल बिक्री भनेको दसैँको टाका नै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हुन पाएन भनेपछि ठुलो मर्कामा पर्यो। प्रडक्सनहरू डाउन हुँदै गइसकेको अवस्था छ। सबै उद्योगहरूको मोर देन 50% प्रडक्सन अहिले डाउन भइसकेको छ। यो कार्तिकको 15 गतेसम्ममा हाम्रो मागको सम्बोधन वा चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन सकेन भने हामी सम्पूर्ण उद्योगहरू हाम्रो नेपालमा 200 भन्दा बढी कपडा उद्योगहरू छन् ती सबै उद्योगहरू बन्द गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको। चालु आर्थिक सालक बजेट घोषणामे सरकार करक सिद्धान्त विपरीत रहल कहैत कपड़ा उद्योगी के दैत आयल कर छूटक व्यवस्था खारिज केने छल। लगले व्यवसायी कर निर्धारण संबंधी निर्णय के पुनर्विचार कर आग्रह करैत प्रतिवेदन बुझौने छल। उद्योगी के मांग विषय में परामर्श कर सरकार कार्यदल बनौने पर 3 महीना धरि किछ उपलब्ध नहीं भेला बाद उद्योग बंद करबाक अवस्था में पहुँचल अछि। बिहान चाहिँ 6 बजेदेखि चाहिँ तपाईँको बेलुका 6 बजेसम्म 12 घन्टा चलाइरहेको छ भने
उसले चाहिँ अब एक सिफ्ट मात्रै चलाउने होइन त्यो पनि सबै उद्योग सबै लुमहरू नचलाउने त्यसरी चाहिँ गरेर प्रडक्सन एकदम घटाइरहेको अवस्था छ त्यो प्रडक्सन घट्दाखेरि उसको कस्ट अफ प्रडक्सन होइन कस्ट चाहिँ झन् बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि झन् नोक्सान छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि हामी अब यो चिज धेरै समय अगाडिसम्म हामी ठेल्न सक्दैनौँ त्यस कारण हामी बाध्य भएर हामी नचाहँदा नचाहँदै पनि हाम्रो चाहिँ उद्योग बन्द गर्नेतिर हामी उन्मुख छौँ अहिले होइन यदि चाहिँ सरकारले 15 गतेभित्र पनि हाम्रो समस्या समाधान गरिदिएन भने हामी कुनै पनि हिसाबले उद्योग सञ्चालन गरेर जान सक्ने अवस्था छैन यतातिर ब्याङ्कको ब्याज चढ्दै गइरहेको छ माल आफ्नो स्टकमा परिरहेको छ होइन अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो र मेटेरियलको भाव यतातिर बढिरहेको अवस्था छ माल बेच्न सकिएको छैन देशक कुल औद्योगिक उत्पादन के 7% हिस्सा नेपालक कपड़ा उद्योग लेने कुल निर्यात आय में 15% योगदान पहुँचाने कपड़ा उद्योग में 60,000 से बेसी रोजगार पाए रहल नेपाल कपड़ा उद्योग संघ के अनुसार देशभर 200 से बेसी कपड़ा उद्योग है बीरगंज में रहल ICP भंसार नाका से नया सवारी साधन आयात करवा क्रम बढ़ल पावन के कारण जीप कार वैन लगायत सवारी साधन के आयात बढ़ल दशैं दीपावली छठि जेहन प्रमुख पावनि में सवारी साधन के खरीद बिक्री बेसी भ रहल छ एहि सीजन में नया सवारी साधन के आयात तुलनात्मक रूप में बढ़ल भंसार कार्यालय के तथ्यांक अनुसार बीतल आर्थिक वर्षक साउन 1 से आसिन 15 के तुलना में एहि वर्षक एहि अवधि में सवारी साधन के आयात उत्साहजनक रूप में बढ़ल कार्यालय के प्रवक्ता संतोष यादव के अनुसार चालू आर्थिक वर्षक एहि अवधि में ई नाका से 8,42 करोड़ रुपया बराबर के 51,680 सवारी साधन आयात भेलेस जैसे 10,85 करोड़ रुपया राजस्व संकलन भेलेस बीरगंज नाका सवारी साधन आयात हो वाला देश के प्रमुख नाका है हरेक वर्ष एहि नाका से सवारी साधन के आयात क्रम से बढ़त गेल भंसार तथ्यांक देखबत जनकपुर धाम क्षेत्र बाहर बढ़त आयल छात्र छात्रा सबक समूह विजन 18 नामक कार्यक्रम करवाक तैयारी कलक विद्यार्थी सबक समूह इनोवेटिव एंडेवर सोसाइटी आई जनकपुर धाम में कार्यक्रम के विषय में पत्रकार सम्मेलन कक जानकारी दिलक सोसाइटी के सदस्य चंदन मिश्र अबेर मिथिला मॉब साइंस एग्जीबिशन द ऑनर्ड स्टोरी लगायत के कार्यक्रम करवाक जानकारी दिलन मिथिला मॉब में मिथिला कला संस्कृति देखल जाय वाला कार्यक्रम करत तहिना साइंस एग्जीबिशन में कक्षा 1 से स्नातक धर के विज्ञान प्रदर्शन निकाल जायत ये कार्यक्रम नवंबर 1 तारीख से 3 तारीख धरि चलत ऐतिहासिक महत्वक सिंधुली गढ़ी के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण गुरु योजना सार्वजनिक भेल गैर आवासीय नेपाली संघ आ कमलामाई नगरपालिका बीच भेल सहमति अनुसार तैयार कयल गेल गुरु योजना आइ राजधानी काठमांडू में सार्वजनिक कयल गेल काठमांडू में भेल कार्यक्रम में गैर आवासीय नेपाली संघक अध्यक्ष भवन भट्ट कमलामाई नगरपालिकाक मेयर खड़ग बहादुर खत्री के सिंधुली गढ़ीक जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माणक काज गुरु योजना हस्तांतरण कयलनि सिंधुली गढ़ी ऐतिहासिक महत्व आ मौलिकता के यथावत रखत गुरु योजना तैयार कयल गेल गुरु योजना आर्किटाइप आ कार्ड कंसल्टेंट के संयुक्त टोली तैयार कयने भारतक विभिन्न स्थान से 37 नेपाली महिला सबके उद्धार कयल गेल मानव तस्करक समूह ओकरा सबके घराइसी मजदूरक रूप में खाड़ी देश में लऽ जायबाक तैयारी अनुसार भारतक विभिन्न स्थान में पहुँचाओल गेल छल सोम दिन साँझ 28 गोटे महिला के नयखंड स्थानक सृजन विहार सोसाइटी के 2 फ्लैट से उद्धार कयल गेल मंगल दिन भोरे ज्ञानखंड स्थानक दोसर एक फ्लैट में छापा मारि कऽ आओर 9 गोटे महिला के उद्धार कयल गेल छल आओर 2 गोटे पुरुष के सेहो भारतीय प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि छापा मारबाक क्रम में नेपाल सरकार से जारी कयल गेल 17 थान पासपोर्ट बरामद भेल अछि ओहि में विभिन्न खाड़ी देश में पर्यटक वीसा लागल अछि धनसाक सबैला में भेल राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के उपाधि जनकपुर क्रिकेट एकेडमी जीतलक अछि सबैला के ठिल्हा स्थित मावी में भेल फाइनल प्रतिस्पर्धा में इस्लामी क्रिकेट टीम जरहिया के 6 विकेट से पराजित करत जनकपुर क्रिकेट एकेडमी नगद ₹51,000 राशि सहितक पहिल ट्रॉफी लेब सफल भेल अछि
जनकपुरक लेल ओपनर बैटिंग करायल हरिशंकर शाह असगरे 88 रनक योगदान देलक अछि। शाह मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आ बेस्ट बैट्समैन के सेहो उपाधि जितबाक सफल रहल। अधिकांश बाहर के खिलाड़ी सम्मिलित इस्लामी क्रिकेट टीम देने 127 रनक लक्ष्य पछा करैत मैदान में उतरल जनकपुर एक ओवर बाकी रहत 4 विकेटक नुकसान में खेल जितबाक सफल भेल छल। उपविजेता भेल टीम 31,000 नगद आ ट्रॉफी में जीत बुझाओल गेल अछि। विजेता आ उपविजेता टीम के प्रदेश सभा सदस्य एवं समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि किशोरी शाह कमल पुरस्कार वितरण केलक अछि। ताली बजा के स्वागत कर देबे। विजयादशमी के अवसर में प्रत्येक वर्ष टूर्नामेंट करैत आयल आयोजक श्री मनकामना युवा क्लबक अध्यक्ष नाजिम धोबी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सबैला नगर पालिकाक मेयर विजय शंकर शाह आ शहीद नगर पालिकाक मेयर उदय यादव बरबरिया सहित खेलल मुख्य प्रायोजक उदयपुर सीमेंट उद्योग लिमिटेड के महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार पौडेल सहित के प्रमुख अतिथि सांसद संगे प्रमाण पत्र ट्रॉफी आ नगद पुरस्कार प्रदान कलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। अर्का खांची के मालारानी में जीप दुर्घटना, चालक के मृत्यु। आई कोजागरत पूर्णिमा, मिथिलांचल में नव विवाहित दुल्ही के घर से दुल्हाक घर में भार भेजबाक परंपरा। जानकी मंदिर आ राम मंदिर में सेहो समारोह। नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी के नाम में फेर विवाद, अपन पार्टी वैधानिक रहल कहत ऋषि कट्टेल नेतृत्वक नेकपा से निर्वाचन आयोग में निवेदन। पहिनका करक व्यवस्था कर कपड़ा उद्योगी के मांग पूरा नहीं भेला पर कार्तिक 15 अगस्त से देश भर कपड़ा उद्योग बंद करवाक चेतावनी। भारतक विभिन्न स्थान में छापा, अवैध रूप में खाड़ी देश लॉ जेबाक तैयारी में रहल 37 नेपाली महिला उद्धार। बेस्त अपन समाचार एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।